बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे फाइव का बी पार्ट एक्सरसाइज 13.2। फाइव का बी पार्ट बहुत ही इजी सा पार्ट है। इसमें वो कहते हैं कि आप लोगों ने इन सिरप फिलिंग फैक्ट्री है जो सिरप को या आप कह रहे हैं डिब्बियों में पैक करती है, कोई फैक्ट्री है। द मेन वेट पर बोतल इज क्लेम्ड, जो क्लेम बात की गई है, जो पहले पहले पीछे चलती रही है, वो है मीन इट इक्वल टू 16। अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 बोटल्स इज टेकन एंड इट टेस्ट स्टेटिस्टिक इज यूज। सैंपल लिया गया है 100 बोटल्स का। देखें अब नेक्स्ट, यूज इज एक्स बार द मेन वेट ऑफ द सैंपल, जो मेन वेट है ऑफ सैंपल का, ये जो उसने दिया है ये मेन वेट है ऑफ पॉपुलेशन का। फॉर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एल्फा जो है उसने दे दिया 0.05। फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड फार्मूलेट। नेक्स्ट पेज पर कहते हैं फार्मूलेट द डिसीजन रूल, अज्यूम द वेस्ट टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद सिग्मा स्क्वायर, जो कि मेरे पास है 2.56। इसका स्क्वायर रूट ले लें, मैं भी आपके साथ ले लेता हूँ उसके रूट का, देखते हैं कितना आता है। हमें चाहिए सिग्मा, सिग्मा स्के नहीं चाहिए, स्के रूट ऑफ 2.56 या आएगा 1.6। ये तो आ गया हमारे पास स्के रूट। दूसरे नंबर पर उसने म्यू की वैल्यू दे दी। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक्स बार की वैल्यू हमने फाइंड करनी हो, या नेक्स्ट कोई भी ये कह रहा है, जिस तरह इसमें कह रहा है उसने मीन वेट फाइंड करने ऑफ एक्स बार, एक्स बार की मतलब वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, टू टेल टेस्ट अप्लाई करना है। एच नोट इज इक्वल टू एच नोट कोलन म्यू इज इक्वल टू 16 एंड एच वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच म्यू नोट इक्वल टू 16। यह आपने सोल्व करना है। सबसे पहले तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देख लें, 0.05 है, इसमें दो आएंगे, एक आएगा अल्फा वो 2.025 और दूसरा आएगा 1 - α वो 2.975। ये आ गए हमारे पास टू क्रिटिकल वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्रिटिकल वैल्यूज अब फाइंड कर लेते हैं जी। अल्फा वो 2 वाले की आएगी -1.96 और प्लस वाले की आएगी, आपने कैलकुलेट कर लेनी है। चूँकि मुझे कुछ ज़बानी वैल्यूज याद आती हैं, जिस तरह के 90% की है मुझे ज़बानी याद है, ये होती है आपके पास 1.64 6445। मैं कह ये आपकी होगी 95% की, और जो दूसरे की होगी 0.9 की, वो होगी आपके पास 1.2816। इस तरह सम वैल्यू जो दो चार ज़्यादा यूज़ होती हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है, टेबल से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। जी की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, हम लिखेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक बाय टेस्ट स्टैटिस्टिक। उसे कब बाय टेस्ट स्टैटिस्टिक को अपने फाइंड करनी है। जी बड़े वाला यूज़ करना क्योंकि अब हमारे पास जी की वैल्यूज़ हैं, बट एक्स बार वाले की फाइंड करनी है। ये होता है इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नोट डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट। इसी तरह चूँकि जी की दो वैल्यूज़ हैं तो हम दो फार्मूलाज लिख लेंगे और दोनों की अलहदा अलहदा यूज़ कर लेंगे। ये वाली जी की ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू। जी की पहले वाली यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास 1.96। इसी तरह दूसरी वैल्यू यूज़ करते हैं, म्यू नोट है 16 माइनस 16 डिवाइड बाई सिग्मा 1.6 एंड डिवाइड बाई स्मॉल एन, जो कि 100 बोटल्स का हमने लिया था सैंपल। इसी तरह इधर करेंगे -1.96 इज इक्वल टू एक्स बार -1.6 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 1.6 और डिवाइड बाई 100। नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पर यहाँ आ जाते हैं। जी की वैल्यूज कैलकुलेट करते हुए हम लिखेंगे जो आई थी -1.96 एक आई थी, दोबारा से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दूसरी आई थी
ये 16 है डिवाइड बाई 1.6 इंटू 100। इसी तरह दूसरी आई थी 1.96 डिवाइड बाई सॉरी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वन सॉरी 16 डिवाइड बाई 1.6 डिवाइड बाई 100। अब आपने क्या करना है, ये नीचे वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाना है, 100 को पहले यहाँ इन्हें सोल्व करने। देखिए एक्स बार माइनस 16 डिवाइड बाई 1.6 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट, क्योंकि बटे के नीचे बटा आ जाए तो बटे को उलट देते हैं बाई मैथमेटिक्स रूल। मुझे मैथमेटिक्स भी आती है, स्टेटिस्टिक्स भी आती है, दोनों सब्जेक्ट मेरे फेवरेट हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इंटू डाल कर भी। अब आपने पहले तो ले जाना है इसको इधर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैलकुलेटर से करें मल्टीप्लाई, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.96 ये आ गया मेरे पास 3.136। आपने अभी तक अगर फिक्स नहीं किया हुआ, आपके काफ़ी लंबा सा आंसर आ रहा है, तो आप फिक्स कर लें। फिक्स किस तरह से करना है, 12.2 एक्सरसाइज देखनी है, इसका थर्ड का ए पार्ट, इसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है आपने फिक्स किस तरह से करना है। कोई सा भी कैलकुलेटर हो, एक्स बार हमारे पास आ जाएगा सॉरी एक्स बार ही तो फाइंड करना है माइनस 16, और ये जो 100 का स्क्वायर रूट है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह ये अमल इधर भी सारा कुछ हो जाएगा, ये इधर माइनस का होगा और ये प्लस का होगा डिवाइड बाय 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 16। अब आपने क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है इसे 10 पर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 नहीं तो 10 आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपके पास 0.3136, क्योंकि अशारिया जो है एक कदर पीछे चला जाता है या कह लें आप आगे चला जाता है माइनस 16, और इसी तरह ये भी इसी तरह होगा माइनस 0.3136 और ये प्लस का होगा। इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, ये नेक्स्ट हो जाएगा आपको बस इसमें प्लस कर देंगे 16.3136, और दूसरे वाला जो है ये भी हमारे पास आ जाएगा कुछ इसी तरह से। ये देखना यहाँ इधर लाएंगे तो ये माइनस का जो यहाँ था इधर आगे प्लस का हो जाएगा, और इसमें से आपने माइनस कर देना है। देखिए 16 माइनस 0.3136 ये आगे मेरे पास 15.683 15.686, ये वाले मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। आपके पास थोड़ी सी ये दूसरी आ जाए थोड़ा सा फ़र्क आ जाए तो इससे आपने घबराना नहीं है, ये एक्स की वैल्यूज आ गई हैं जो हमें रिक्वायर थी। इसी के साथ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है, इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई टॉपिक ऐसा हो जिसकी समझ ना आ रही हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर देना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने।